रवि भाई, रवि जैन, चेक माइक चेक सबको आने तो दो आर्टिस्ट चेक चेक हेलो हेलो चेक 1 2 3 हेलो चेक मेट तिग्मांशु जी को ही बुला ले चेक हाँ आया हाय हाय श्रद्धा ट्रेलर बहुत अच्छा है आप लोगों का मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस श्रद्धा ये आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में आप कैसे फिल्म मिली कहाँ से हैं थोड़ा सा अपने बारे में बताएं मैंने मेरा फिल्म इंडस्ट्री का पहला मेरा डेब्यू हुआ 2016 में आई एम ओरिजिनली फ्रॉम कर्नाटका सो माई फर्स्ट फिल्म वॉज कन्नड़ा वहाँ से मैंने तमिल में किया है एक्ट तेलुगू में किया है मलयालम में किया है सो आई हैव एक्टेड इन फोर इंडस्ट्रीज उससे पहले आई डोंट नो इफ यू वांट टू नो बट मैं लॉयर रह चुकी हूँ सो दैट इज़ एक और एक्स्ट्रा बैकग्राउंड बट यस इट्स बीन 3 years एंड तीसरे साल में यहाँ पे मेरा डेब्यू हो रहा है अली जी की और कोई फिल्में वेब सीरीज देखी है आपने लाइक पिछले कैसे ना देखें बहुत ही धमाल मचाया इन्होंने ऑफकोर्स मिर्ज़ापुर जो था हर जगह था ऑफकोर्स देखा है मैंने यस तिग्मांशु जी इतनी ट्रेलर बहुत ही ब्यूटीफुल है तो इतनी अच्छी फिल्म को लाने में इतना टाइम जैसे मैंने पहले कहा कि हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है शायद इस फिल्म की किस्मत थी 2019-15 मार्च को रिलीज होना तो इसके लिए मैं और क्या कहूँ मेरे दिल के बहुत करीब है बहुत सालों से मैं इसको मैंने सजो के रखा था कभी बनाऊँगा कोशिश करता रहा इस बार कामयाब हुई कोशिश तिग्मांशु जी ये फिल्म सिंगल स्क्रीन थिएटर के बारे में भी कुछ बात कर रही है थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे किस तरीके से इसमें दिखाने की कोशिश की है आपने और किस तरीके से सिंगल थिएटर्स की जो हालत है वो कुछ उस पर भी आपने बताने की कोशिश की है देखिए ये फिल्म 2010 और 2013 के बीच में कही गई कहानी है 2018 की नहीं है वो वक्त वो था कि जब तभी प्रिंट चला करते थे 2013 के बाद से डिजिटल कम्प्लीटली हो गया हिंदुस्तान तो उस दौर की कहानी है सिंगल थिएटर में फिल्म देखने का जो एक मज़ा होता था मीलों लंबी लाइनें समोसा और सिगरेट की महक से सिंगल थिएटर का एक महक होती थी उसकी समोसे और सिगरेट की महक से मिली हुई वो आज तक मेरे जहन में है मेरा अभी दिलो दिमाग में बसी हुई है वो और उसका एक जो मज़ा बिग थिएटर हज़ार लोग एक साथ पिक्चर देख रहे हैं तो मेरा ये मिलन टॉकीज मेरा ट्रिब्यूट है हिंदी सिनेमा को जो भी सिनेमा देख के मैं बड़ा हुआ हूँ और मेरे दिल के बहुत करीब है वाज इट डिफिकल्ट सर नो इट वाजंट डिफिकल्ट आई गेस इफ माय इफ द बॉस हैज सेड इट वाजंट डिफिकल्ट नो इट वाज ग्रेट या एक्चुअली यू नो When the script is written so well, when the characters and the when it's written seamlessly for an actor, I think any character, I think it's a lot easier to do. When you read something, it just comes out a lot easier. If it's not like that, then it becomes tough. And when I read the script, it was one of the easiest reads that I've ever had. It was great fun to do it, and I think when you're having fun, then it's just smooth. In fact, I'd like to add to this. जब भी मैं सिकंदर के साथ परफॉर्म करती थी ही वॉज सो गुड उनको देख के मुझे एक गुस्सा आता था तो जो नेचुरली शायद मेरे परफॉर्मेंस में मुझे चाहिए था एंड ही वॉज जस्ट लाइक एक्सट्रैक्टेड द हेटरेड आउट ऑफ मी वेरी आई डोंट नो व्हाट आई शुड से थैंक यू टू दैट आई डोंट नो अली जी पिछले दिनों में जितना प्यार आपको मिला आपकी वेब सीरीज फिल्मों से मिलन टॉकीज से आपकी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं आप ऐसा हम
माने एक कलाकार की उम्मीदें हमेशा बढ़ती हैं हर एक फिल्म जो हम करते हैं हर फ्राइडे आने वाले फ्राइडे से लेकिन मुझे बहुत प्यार मिला है आई एम वेरी हैप्पी ये फिल्म जो है ये लाइक तिग्मांशु सर ऑल्सो सेड इनके दिल के बहुत करीब है बहुत टाइम से ये बना रहे हैं और ये इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई जर्नी एज एन एक्टर मैं जिस जो जो चीज़ें इस फिल्म पे सीखा हूँ मतलब मैं कहीं ना सीख पाऊँ मुझे नहीं पता इसके आगे क्या होगा 15 मार्च को रिलीज़ हो रही है एंड आई होप एवरीबडी वॉचेज इट बहुत प्यार और शिद्दत से बनाई है हमने लेकिन जो एक एक्टर के लिए जो कला होती है ना वो मैंने सर से सीखी है और वो कोई और पता नहीं मैं कहीं और नहीं सीख पाता शायद इतने अच्छे एक्टर्स के साथ श्रद्धा के साथ तो मैंने पहली दफ़ा काम किया बहुत मज़ा आया मतलब मैं बल्कि देयर वर टाइम्स व्हेन आई वाज इंटिमिडेटेड आल्सो बिकॉज़ शी इज अ रियली गुड एक्टर तो और वो टेबल टेनिस का मैच है यार वो इधर से जितना अच्छा आएगा उतना अच्छा इधर से आएगा हमने पहले भी यही किया है और आजकल कॉन्टेंट इज किंग आजकल स्टोरीज आर किंग एक्टिंग इज किंग दैट्स वॉट वर्क्स सो आई एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री डायरेक्टेड दिस सो या थैंक यू श्रद्धा अरे श्रद्धा हाय आयो पूछ लीजिए आपका नेक्स्ट श्रद्धा योर फिल्म विक्रम वेदा वॉज वेरी पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया नॉट जस्ट इन साउथ एंड नाउ इट्स बीन देयर हैव बीन टॉक्स दैट इट्स गोइंग टू बी रीमेड इन बॉलीवुड एज वेल डू यू वांट नंबर वन हाउ डू यू फील अबाउट दैट एंड देयर हैव बीन लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस एज टू हु विल बी देयर इवन शाहरुख सर्स नेम हैज बीन क्रॉप्ड अप इनटू दैट हाउ डू यू फील अबाउट द फिल्म बीइंग रीमेड एंड ए डू यू वांट टू स्टार इन इट और यू वुड फील दैट देयर इज समबडी एल्स दैट कैन टेक योर प्लेस इन दैट My answer is obviously yes. I want to star in it. But how do I feel about it? I feel great that it got so much attention. It was a Tamil film. It was a big Tamil film with big names. But to reach a national level and it got selected for so many film festivals and abhi I think it's dubbed in Hindi. It's available on YouTube and all that is happening. So feels nice. Feels like you have a bigger audience. The films that you're doing, even though they're regional, they're the audience is actually national. The answer to your second question, like I said, is yes. I don't know who's doing it, but I'd like to play Priya's part again. Yeah, let others do it. अच्छा तिग्मांशु जी एंड अली जी वो अभी बातें कर रहे हैं तो हम भी क्या हुआ पूछना About दिल हम लोग कलाकार हैं गुरु हमारा क्या है ना कि हम फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए तो हम वी आर डेड तो वो जो है कारवां चलता रहता है और चलना चाहिए हाँ मतलब हाँ ये तो है मैं बहुत खुश हूँ जहाँ जिस मुकाम पे मैं आया हूँ जहाँ ऑडियंसेस मुझे लाई हैं धीरे धीरे हमने शुरू किया था छोटे काम से फिर थोड़ा बड़ा हुआ उससे आगे गए सफ़र लंबा है तो नहीं अच्छा है बहुत खुश हूँ मैं एकदम ऐसे टाइप क्वेश्चन है ये तो एक्टर बनना था लॉ में बिल्कुल मन नहीं लगता था एंड आई न्यू दैट आई बिलोंगड हियर आई थिंक लाइफ इज द वे यू सी इट if you believe that it's super hit, otherwise you will never be happy. So. Yeah, just be happy, yeah. It's just about being happy with yourself. Don't think, mine is damn simple. After failing, then you learn the most, you know. I learn the most out of failure. And so I don't think about results. It's just a goal, yeah, and just keep moving. That's about it. It's really simple. Just be happy with yourself and live every day. Respect yourself, love yourself. That way you can respect others and love others. It's really simple. Baki sab soch to zyada sochoge to koi fayda nahi. Ji, main aur zindagi se kya cha sakta tha jis mukam mein main hu us waqt Allahabad ka londa Bombay mein aaj ek director hai, producer hai, writer hai, actor bhi hai. Aur kya chahiye life mein? Main khush hu.
हाय अली, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़। अली, सवाल पूछने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने मिलन टॉकीज़ मिर्ज़ापुर के पहले शूट की थी या ये बाद में शूट की, क्योंकि मेरा सवाल उसी से जुड़ा है। नहीं नहीं, बाद में था ये। अच्छा। ये उसके बाद था। एंड आई रिमेम्बर सर, जब मुझे पहली दफ़ा मिले तो कहने लगे, यार ये तो तुम बहुत चौड़े हो, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो आई सेड नहीं नहीं, मैं यू नो आई ट्राई एंड आई नो आई थिंक देयर सम बिट्स वेयर आई एम स्टिल यू नो यू कैन मेक आउट, वो थोड़ा सा था पहला हुआ हूँ मैं। But yeah, it was after. तो मेरा सवाल ये था। Yeah, actually, Sikandar used to be, yeah, he was the one used to take me for runs. मैं एक में आया था और मैं फुक गया था, क्योंकि ये बहुत भागते हैं। आजकल मैं शायद ज़्यादा भाग सकूँ, आपके थोड़ा पैर की बात। तो अली, मेरा सवाल ये था कि जो स्मॉल टाउन मेंटालिटी जो दिखाई गई है मिर्ज़ापुर में, एक स्मॉल टाउन मेंटालिटी अलग किस्म की होती है जो शहर से काफ़ी अलग होती है, तो कितना हेल्प किया उसने मिलन टॉकीज़ में जब आप काम कर रहे थे, क्योंकि ये भी एक उस तरह का सेटअप है उसका। एक्चुअली शहर स्मॉल टाउन हो गए हैं आजकल हमारे, तो मतलब वहाँ बहुत बहुत खेल होता है यू नो। एंड ऑनेस्टली मैं लखनऊ में बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मिर्ज़ापुर अलग एक जगह है, वहाँ का जो लहजा है वो अलग है। इलाहाबाद में थोड़ा सा अलग हो जाता है, हर 10 गज पे बदलता है सब। वहाँ का जो भी था, मतलब लिटरली माई गुरु वॉज तिग्मांशु सर। देखिए, बम्बई को छोड़ के पूरा देश स्मॉल टाउन ही है। yeah. अगर आप बम्बई से थोड़ा बाहर जाएंगे तो इस बात का इल्म हो जाएगा आपको। He's right, actually, yeah. अच्छा, आपसे एक सवाल था तिग्मांशु जी, ये फिल्म जो है बहुत साल पहले बनने वाली थी जैसे कि आपने भी कहा, लेकिन इस दौरान बहुत सारी कास्टिंग में भी बदलाव हुआ। इमरान खान थे पहले, प्रियंका चोपड़ा को अप्रोच किया गया था, फिर और कोई, फिर अब जाकर ये फिल्म बनी। इस दौरान आपके लिए क्या कुछ बदल गया, किस तरह के फ्रस्ट्रेशन के दौर से आपको गुजरना पड़ा, और एक फ्रेशनेस होती है फिल्म बनाने की, एक जोश होता है फिल्म बनाने का, क्या उससे भी आपको जूझना पड़ा, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस था, फिल्म बन नहीं पा रही थी, तो उस दौर को थोड़ा सा डिस्क्राइब आप अगर कर पाएँ। जब मैं जूझ रहा था इस फिल्म को बनाने में शुरू में, और फिर जब नहीं होती थी चीज़ें, हाँ डेफिनेटली ऑफ कोर्स थोड़ा आपको फ्रस्ट्रेट होते हैं, आप फ्रस्ट्रेट, लेकिन आप यू मूव ऑन। मैंने दूसरी पिक्चरें बनाई उसके बाद, और टाइम गुजरता गया, बनाता गया और भी फिल्में बनाता गया, और फिर जब ये आई तो जो फ्रेशनेस की बात कर रहे हैं, ये स्क्रिप्ट तभी भी फ्रेश थी, शायद तभी मेरे उससे उतर नहीं रही थी, नहीं तो ऐसे कई और स्क्रिप्ट भी लिखी थी मैंने पहले जो अपने नतीजे पे नहीं पहुंच पाई, और उनको मैंने अब छोड़ दिया, मैं शायद कभी नहीं बनाऊंगा, बिकॉज उसकी एक लाइफ होती है, वो खत्म हो गई। सिर्फ ये चीज़, इसीलिए इस फिल्म को मैंने 2010 और 2013 में रखा, 2018 में नहीं रखा, बिकॉज इस वक्त कम्युनिकेशन और ट्विटर उस वक्त इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था जितना अब है, तो वो दो तीन चीज़ें, टेक्निकल जो सोशल मीडिया का ऑनस्लॉट है इस वक्त, उसका थोड़ा कम था, इसीलिए पिक्चर को थोड़ा सा पीरियड में रख के मैंने ये फिल्म बनाई, बाकी तो पिक्चर वैसे बिल्कुल ही फ्रेश लगेगी आपको। अच्छा, एक सवाल और था कि एक फिल्मकार के लिए कितना मुश्किल होता है जब उसकी पिछली कुछ फिल्में नहीं चलती है, बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं करती है, तो एक फिल्मकार के लिए, डायरेक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है कि एक प्रोजेक्ट को वो बनाए और असेंबल करे और नतीजे तक ले जाए। ये बहुत ही सब्जेक्टिव सवाल है, सबके लिए अलग अलग है इसका, मतलब मेरे लिए अगर आप कहेंगे, मैं कुछ और तो कर नहीं सकता, अगर नहीं पिक्चर चली तो मैं हलवाई की दुकान तो खोलूँगा नहीं, बनाऊँगा पिक्चर ही और अपनी गलतियों से सीखूँगा, तो अपनी गलती तो सीख के मैंने फिर ये आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल इस सबसे अलग, कि हाल ही में पुलवामा में जो हमला हुआ है, जो 40 CRPF के जवान मारे गए हैं, उसके बाद जो युद्ध उन्माद का माहौल, वॉर मॉन्गरिंग का जो दौर चल रहा है देश में, कि मार दो, ख़त्म कर दो, इसके बारे में आप लोग क्या कुछ राय रखते हैं, अगर कुछ अली, सिकंदर और तिग्मांशु सर आप लोग बता पाएं। आप Tigmanshu, simple question. The film industry has come together, united, and they have decided that films will not be released in Pakistan. Pakistan will be excluded as the foreign market. Your take on the same, and will Milan Talkies be releasing in Pakistan? No, it will not be released in Pakistan. For two reasons. First, this, like you're saying, we stand in solidarity. And dusri cheez, piracy jo hoti hai, wo Pakistan se hi hoti hai. To humko kabhi bhi Pakistan mein picture release nahi honi chahiye, in spite of kuch reason chahe kuch bhi ho. अली, कहना चाहेंगे आप कोई राय रखते हैं जो वॉर मॉन्गरिंग का दौर चल रहा है, इस बारे में कोई राय रखते हैं? नहीं, वी आर ऑल इन सॉलिडैरिटी, मतलब वही है कि मैं पहले भी किसी को बोला था, डिमोनेटाइजेशन के वक्त हम सब इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं,
इस समय भी अब सब सबके पास सॉल्यूशंस हैं. आई थिंक वी शुड ट्रस्ट द आर्मी, दे डूइंग देयर जॉब. नोबडी कैन नो डिस्ट्रक्शन मोर देन अ सोल्जर. एंड आई थिंक या वी हैव गॉट अ ग्रेट ग्रेट आर्मी. वी जस्ट हैव टू स्टैंड इन सॉलिडैरिटी बिकॉज़ आवर कंट्री कम्स फर्स्ट. सिकंदर आप कुछ एक सेकंड सिकंदर वांट्स टू स्पीक. आई जस्ट थिंक इट्स इजी फॉर मी टू स्टैंड हियर एंड से गो एंड किल बिकॉज़ आई एम नॉट गोइंग एंड किलिंग राइट. सो अगेन आई एम सेंडिंग द जवान्स ओनली. So as Ali rightly said, the army knows what they're going to do. They are, वो हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं. ये उनका, so I mean, of course we're all in solidarity, we're all with India, you know. And leave it to the professionals. But I'm not going to say, go, go, kill, kill, go, go, because I'm not going there. So we are with them. We are completely with them and we completely condone what has happened. But let them, they're going to do what they have to do, you know. सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? I would like to add to this if you don't mind, sir. मेरे पापा आर्मी में रह चुके हैं. 30 years उन्होंने सर्व किया. He retired as a colonel. He was an army officer. तो बचपन से मैंने ऐसी खबरें बहुत सुनी हैं. There were times when we would be afraid about papa, and he was posted and we were in a peace station. But उनके कॉल के लिए हम लोग बहुत वेट करते थे. In fact, we would be like just waiting for his call and to hear his voice and to know that he's okay. तो we have seen death very closely. We have seen papa's course mates dying on field. We have seen my friends becoming orphans in a matter of like, you know, minutes. So I feel like this is a very sensitive topic. Having said that, like we said, the army knows what it's doing, and war is easy to say, easy to make films on, but it's a whole different scene out there. So I think we should keep our opinions, we should be opinionated, but at the same time we should put all our trust in the government and the army. I think they know what they're doing. Sir aap kuch bolna? Nahi, main completely jo is baat ko dohrane se koi matlab nahi hai. Jo Shraddha ne aur sab teenon ne kaha hai, main usse bilkul completely ittefaq rakhta hu. Fauj ko pata hai unhe kya karna hai. सर ये जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन किया गया है, इससे क्या आप सहमत हो कि ये ठीक हो रहा है या नहीं? फिलहाल तो बैन होना ही चाहिए जिस तरह की स्थिति है. जब स्थिति बेहतर हो जाएगी तो हम भी अपने बाहें फैला लेंगे. आप क्या बोलना चाहते हैं अली सर? थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. या